स्वागत करता हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का। तो आज का जो टूर होगा मेरा वो होगा मेरे यूनिवर्सिटी का। मैं यहाँ से आपको दर्शन कराऊँगा यूनिवर्सिटी का। कल मैं कॉलेज गया था, एक दिन नहीं मतलब कई टाइम से मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली जा रहा हूँ कुछ पेपर वर्क से। आगे मैं बताऊँगा आपको कि हमारा यूनिवर्सिटी में क्यों किस लिए जा रहे हैं और वहाँ क्या काम है। फिलहाल हम यहीं और अब जंक्शन पहुँच चुके हैं और उसी के ग्राउंड में हैं और मैं कुछ आपको अच्छे दृश्य भी दिखाऊंगा यहाँ के अच्छे दृश्य, जो कि कटिहार जंक्शन को बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। और यहाँ का एक कुछ और विशेषता यही है कि ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर आपको हर तरह के ट्रेन या हर तरफ में ट्रेन जाने वाली यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे हर तरफ जाती है हमसे ट्रेन। तो फिलहाल यहाँ से देखो व्यू जो है बाहर का अच्छा है और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी है और मेरे एक दोस्त हैं वो आने वाले हैं, उन्हें मैंने बाइक दे रखा है, वो घर गया है, तो कुछ टाइम बात आते हैं ठीक है। यहाँ पे बैक में दिखाता हूँ, देखो रात में स्टे करने के लिए लोग यहाँ पे स्टे कर लेते हैं पीछे में बैकग्राउंड में। और खासी खास चलो सबसे मनोरंजक दृश्य दिखाता हूँ, ये हमारा रेलवे स्टेशन है। आगे मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें आपको मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ अलग घटना घट गई थी, मैं जब मुजफ्फरपुर जा रहा था उस टाइम ट्रेन से, तो उसकी वाकया मैं शेयर करूँगा आपको उनसे। तो यहाँ से फिलहाल आई रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे लोग वैसे भी फुटपाथ में भी सो जाते हैं। आगे यहाँ पर आप जब आए तो अपना सेफ्टी का, अपना खुद का ख्याल रखें क्योंकि ऐसे घटना हमने देख चुका है पहले यहाँ से ठीक है। हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं अपना रेलवे स्टेशन का, हमारे रेलवे स्टेशन का कुछ भव्य दृश्य, जो कि साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एटीएम पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक का एटीएम मिलेंगे और इधर साथ ही साथ आपको फोर व्हीलर्स लगाने के प्लेसेस मिल जाएंगे। आगे आप अगर जाते हैं तो आपको आगे में यहाँ पर आप कहीं जाते हैं बाइक लेकर आते हैं तो आगे आप यहाँ पे बाइक रख सकते हैं सामने में, और इसका जो भी किराया लगता है उसके बाद आपको वो टिकट देंगे। और इस टिकट से आप क्या कर सकते हैं कि बाद में जब आएंगे तो आपको बाइक मिल जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ भव्य दृश्य, कितने सुंदर सारी दृश्य है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर लग रहा है, रचनात्मक दृश्य काफ़ी लग रहा है कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। अच्छा ये मेरे दोस्त हैं, इनको भी बोल रहा है कि मुझे को दिखाओ, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है दृश्य यहाँ से। यहाँ पे कुछ रचनात्मक दृश्य है, यहाँ से बातें करते हैं ठीक है। तो ये सुंदर दृश्य, आगे हम स्टेशन के व्यूज़ को दिखाएंगे ठीक है। तो अगर आप गाड़ी से आते हैं, बाइक से आते हैं और आपको कहीं रेलवे से मतलब ट्रैवल करना है तो क्या करना पड़ेगा कि बाइक को आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो हम देखते हैं। और यहाँ पे जब आप फोर व्हीलर को पास में इधर यहाँ पे दिख रहा है इस साइड में फोर व्हीलर इसको लगा सकते हैं और साथ ही साथ बाइक भी लगाने के यहाँ पे दिया गया है। वो वाला दृश्य थोड़ा सा जूम करके दिखाना, वहाँ पे बोर्ड लगा है वो वाला दृश्य, बाइक आप रख दीजिए और आराम से मतलब आप जा सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ बात में रह जाते हैं रात में, अगर होटल वगैरह नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे ऐसे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, टेम्प्रोरी टाइम है तो सब कुछ समय काफ़ी सुंदर दृश्य। जरा जंक्शन को एक बार अच्छे से दिखाएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे। शर्मा मेरे दोस्त फोन पकड़े हुए हैं और रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू दिखा रहे हैं, क्या सुंदर नज़ारा है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क कर दिया हूँ और पूछता हूँ कि कितने रुपए यहाँ लगते हैं एक गाड़ी लगाने का, तो ठीक है यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल पर्ची दे दीजिए, बोलिए नंबर क्या चीज़ का नंबर, गाड़ी का नंबर लगा, हाँ BR 39 AF 41 24। शाम तक आ जाएंगे।
कितने रुपये दे? अगर कल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अगर एक एक दिन अगर बढ़ता है तो पर दिन का कितना चार्ज लेते हैं? 20 रुपये करके। अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी कीजिए सब गाड़ी। और स्कॉर्पियो लगाने का मतलब ये सब कितना चार्ज है? 50 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दिया है। और अब भी अगर गाड़ी बाइक से आते हैं तो कहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आएंगे तो 20 रुपये गाड़ी का मात्र लेते हैं। और बड़ा गाड़ी अगर है, फोर व्हीलर से, तो वहाँ पे आपसे 50 रुपये चार्ज करते हैं। और जैसे आज जमा किया, मैंने कल सुबह तक ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि कल अगर आएंगे नए दिन में तो फिर से पैसे लगने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं वापस यूनिवर्सिटी। ट्रेन आने में भी हमारे पास आधा घंटा है, तब तक मैं हम इंक्वायरी में पूछ लेते हैं कि कहाँ पे ट्रेन आने वाली है, किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे फ़ोन कॉल मैंने देखा था वेयर इज़ माई ट्रेन में, तो बता रहा था कि 2 नंबर पे, बट ट्रेन जो है सडनली 1 नंबर पे आ चुका था। ये लास्ट टाइम से बताते हैं कि ये कहाँ पे आने वाला है, नहीं आने वाला है। फिलहाल हम एक बार फिर से इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जंक्शन पर फिर से दिखाते हैं। समस्या साउंड का हो सकता है, पर दिक्कत की बात नहीं है। आटे भी आ रहे सर, 2 नंबर खड़ी। ठीक, थैंक यू। तो आज फाइनली मतलब ये पता चल गया कि हाटी बजाड़े जो लास्ट टाइम एक्सप्रेस आया था, हम जा रहे हैं हाटी बजाड़े एक्सप्रेस से, जो कि सियालदह से बन के आती है वेस्ट बंगाल से। और उसका जो टाइमिंग था लास्ट टाइम, आधा घंटा उस ट्रेन ने लेट करा था, बट आज देख रहा हूँ कि ऑन द टाइम है, समय पर है, जिसकी वजह से दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अभी जाएंगे, मेरा जो टिकट था वो कन्फर्म नहीं हुआ था जब मैंने बुक किया था एक दिन पहले, तो लास्टली शाम में मैसेज आता है कि चार्ट प्रिपेयर, और मुझे D1 कोच में सीट नंबर 11 दे दिया गया है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, विदाउट सीट के जाने से अच्छा रहता है, दिक्कत हो जाता है। हालांकि ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहाँ से कटिहार जंक्शन से मधेपुरा जंक्शन मात्र 110 किलोमीटर के करीबन है। और यहाँ से हम दिक्कत फिर भी हम सोचें सीट अगर मिल जाती है तो दिक्कत की बात नहीं होता है, आराम से बैठ के वहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए हम D1 कोच देखते हैं, गाड़ी लगी हुई है और लोगों का जो आवागमन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है यहाँ से। अभी जस्ट लगता है ट्रेन आ चुकी आई है, और ऑन द टाइम अगर है ट्रेन तो फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब आने का ठीक है, बट लास्ट में क्या होता है कि जब ट्रेन आती है तो वैसे स्थिति में वहाँ पे पूर्णिया में क्या होता है कि 1 घंटे के बराबर रोक देती है, 1-1.5 घंटे का रास्ता रहता है, बट 1 घंटा रोक ही देती है ट्रेन, यही समस्या हो जाता है। तो चलो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ तक मतलब पूरा का पूरा जो है ना डब्बा जो है वो AC वाला है, और लगता है कि कितना दूर जाना पड़ेगा, और बहुत दूर जाना पड़ रहा है एक्चुअली में यहाँ पर। और मैं अपने हाथ से सूट कर रहा हूँ, मेरे हाथ को भी दर्द हो रखा है, मुझे एक अच्छा सा ट्राइपॉड लेना पड़ेगा ताकि ये इतना प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा सा दूर भी रहेगा तो जिससे क्या होगा कि मुझे अच्छे से सूट करेंगे तो बैकग्राउंड ज़्यादा कैप्चर होगा। इसमें थोड़ा सा कम कैप्चर हो रहा है, मेरा फेस ज़्यादा आ रहा है, इस लेवल से हो जाना चाहिए। तो अभी भी हम AC वाला ही बोगी देख रहे हैं सारा, उसके बाद अभी देखेंगे। अच्छा, यहाँ से शुरू हो चुका है। S वाला कोच में स्लीपर है, S और D वाला जो कोच आता है उस कोच में मिल जाएगा आपको जनरल मिल जाएगा। तो हमने जनरल वाला सीट लिया है, और इसमें इसका कॉस्ट क्या है, सिंगल देखो 70 रुपीज़, IRCTC के वेबसाइट पे जाकर आप जब बुक करते हो तो 70 रुपीज़ के करीबन लगता है, और उसमें ट्रांजेक्शन कन्वेंसी पे जो लगता है वो 11 रुपये लगता है भीम UPI से करेंगे तो, और अदर से करेंगे तो आप 15 रुपये कर लेंगे। ठीक है, ये IRCTC ऐप है, और भी बहुत सारा ट्रेन टिकट बुक करने का ऐप है। आप Paytm से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्वेंस फी जो है ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए IRCTC बेस्ट है।
और रिफंडेबल है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे भी फंस जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ जब पैसा फंस जाता है तो वापस 3-4 वर्किंग डेज बोला जाता है, वापस आ जाता है। और अभी तक में जितने भी पैसे फंसे हैं वो मेरे वापस आ चुके हैं, सो टेंशन नहीं लेना है। अगर कभी आपको समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने चैनल का जो नाम है वो ने सोचा भी नहीं है अभी कि क्या रखना है, कुछ ढंग का मिल जाए। फिलहाल वीडियो स्टोर हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे। T1 कोच में आ गए हैं यहाँ से, और ट्रेन में देखते हैं कि हमारा सीट जो है कहाँ पे है। फिलहाल के लिए ये 9 ट्रेन, ठीक है। तो मेरा जो है सीट है वो है अलीबर। फाइनली हम बैठ गए, और यहाँ पे जब वैसे बैठ आए तो बहुत मतलब ये जो D1 कोच है एकदम लास्ट में है। और ऐसे में क्या हुआ कि जब हम आए तो एक भैया यहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि उनके पास कंफर्म टिकट होगा, या शायद मैंने देखने में अपना टिकट मिस किया होगा, क्योंकि पहले से तो कंफर्म हुआ नहीं था। इसीलिए हमने क्या किया, फिर से जाकर अपना PNR नंबर है, और उस PNR नंबर से जाकर वेलिंग माई ट्रेन का स्टेटस चेक किया, तो उसमें मुझे पता चल गया कि मेरा जो सीट है वो D1 11 सीट है। और मुझे इत्तेफाक से क्या मिला है कि जब देखते हैं ना तो यहाँ पे मुझे विंडो सीट मिला है, और विंडो सीट में जाने का मजा ही कुछ है, क्योंकि प्राकृतिक का पूरा व्यू लेके हम चले गए। तो दिखाएंगे हम यहाँ पे कि क्या सब है, लेकिन मुझे मतलब थक गया हूँ यार लगता है, मानो कि इतना दूर से चलते चलते एकदम लास्ट में मिला D1 एकदम लास्ट में, इसीलिए फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से खुल चुकी है, अब टाइमली है आज ट्रेन, और ऐसे कुछ दिखा रहा है कि 11 बजे तक चाहिए, कहीं ना कहीं जरूर का प्रयास होगा यहाँ ट्रेन को, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं 1.5 घंटे का टाइमिंग लगता है यहाँ से और मधेपुरा जाने में, देखते हैं। पहले पूछ लीजिए चार्ज का, फिर तब आप कर, वरना आप जब चले जाएंगे वहाँ पे तो उसके बाद वो लोग चेंज करना। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम लोग बस जस्ट पहुँचने वाले आगे के, नहीं थोड़ा सा लोकल एरिया लग रहा है, सेम ही है, मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब आखिर है तो मतलब लाइक यूनिवर्सिटी अच्छा होता है। तो देखिए सपनों में जो हम लोग सोचते हैं ना, बड़े बड़े मूवीज में जो देखते हैं ना, उस तरह का यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाला यहाँ पे, नहीं है ना। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस उस तरह का मिलेगा। तो देखते हैं क्या है यूनिवर्सिटी। मैं जो था 2017 से 20 सत्र का जो स्टूडेंट था वहाँ का कॉलेज का,
तो देखेंगे किस प्रकार का है यूनिवर्सिटी। कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी के छात्र क्यों ना हो, किसी भी कॉलेज में नामांकन क्यों ना हो, एक बार तो उसको यूनिवर्सिटी आना ही होगा। उसका माइग्रेशन और मूल प्रमाण पत्र आपको वहीं से मिलने वाला है। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ से कॉलेज का यहाँ से काम खत्म हो गया। तो मूल प्रमाण पत्र लोगे, जैसे मैट्रिक में हमने लिया और इंटर में भी लेना होगा, तो इंटर का तो मिल गया कॉलेज से, लेकिन ग्रेजुएशन का क्या प्रॉब्लम है कि तुमको यहाँ फिर से आवेदन वगैरह देके फिर से आना होगा। कब क्या, अभी तो भाई अभी हम लोग रिसेंटली पास आउट ही हुए हैं, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। बाद फर्स्ट टाइम हम लोग का ग्रेजुएशन होने के बाद हम फर्स्ट टाइम अपने यूनिवर्सिटी से आए हैं और ये हमारा यूनिवर्सिटी है बैठ। लास्ट व्यू भी दिखाऊंगा कि किस कैसा है यूनिवर्सिटी, डेवलपमेंट है किस प्रकार का। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार हमारा काम होता है। मैं अपने सारे कामों के बच्चे आपको बताता हूँ वहाँ पर कि कैसे काम सारे प्रक्रिया हमारा होता है।